तो नमस्कार दोस्तों लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर के ब्लड टॉपिक के बारे में ईजी वे में जानने वाले हैं इस फ्लो चार्ट के माध्यम से ओके सो टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू नो अबाउट ब्लड थ्रू दिस फ्लो चार्ट इन ए इजी वे ओके सो लेटेस्ट टैट टूडेज टॉपिक ओके तो दोस्तों मैंने ब्लड के लगभग पूरे पॉइंट्स को इकट्ठा करके एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आए ओके चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ओके तो दोस्तों ब्लड ब्लड क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है ओके सो so, ब्लड इज ए फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी ओके सो so, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है अभी हम जाने वाले हैं तो ध्यान से सुनिएगा ओके सो दोस्तों ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और साथ ही फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ओके सो so, ब्लड में 55 परसेंट प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45 फाइव परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ओके सो so, पहले हम प्लाज्मा के बारे में जानेंगे ओके सो ब्लड कंसिस्ट ऑफ 55 परसेंट प्लाज्मा एंड 45 फाइव परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स ओके सो नाउ फर्स्टली वी आर गोइंग टू नो अबाउट प्लाज्मा ओके तो दोस्तों देखिएगा प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है ओके प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है और प्रोटीन्स सो प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स ओके सो वाटर इज अप टू नाइन्टी टू नाइन्टी टू परसेंट ओके और प्रोटीन्स ओके और प्रोटीन्स कितने परसेंट प्रेजेंट होते हैं सिक्स टू एट परसेंट ओके सो प्लाज्मा में सिक्स टू एट परसेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ओके नाइन्टी से लेकर नाइन्टी टू परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है और सिक्स से एट परसेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं ओके okay? वो प्रोटीन्स क्या क्या हो सकते हैं देखिएगा आप व्हाट आर द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा ओके फाइब्रिनोजन, ग्लोबिलिन एलमिन ओके सो प्लाज्मा के प्रोटीन्स में क्या प्रेजेंट होते हैं फाइब्रिनोजन, ओके ग्लोबिलिन और एल्बेमिन ओके सो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करता है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है ओके सो फाइब्रीनोजन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है ओके okay? और ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है देन नेक्स्ट देखिएगा ग्लोबिलिन यह ग्लोबिलिन क्या करता है डिफेंस मैकेनिज्म ये ग्लोबिलिन हमारे इम्यून सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओके सो so, ये ग्लोबिलिन से इमिनोग्लोबिलस फॉर्म होते हैं ओके सो दिस ग्लोबिलिन फॉर्म्स इमिनोग्लोबिल विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ओके एंड नेक्स्ट एल्बेमिन ओके एल्बेमिन प्रोटीन विच मेनटेन्स ऑस्मोटिक बैलेंस इन आवर बॉडी सो ये एल्बेमिन प्रोटीन क्या करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है हमारे बॉडी में ओके सो so, ये फाइब्रनोजन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग िन हेल्प्स इन डिफेंस मैकेजम एंड एलबिन हेल्प्स इन ऑस्मोटिक बैलेंस नेक्स्ट देखेगा प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स इन स्मॉल अमाउंट वो क्या हो सकते हैं सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्लोरिन एक्सेट्रा ओके सो दे कैन बी सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम बाई एंड क्लोरिन एक्सेट्रा ओके और साथ ही हम प्लाज्मा में क्या देख सकते हैं ग्लूकोज अमाइनो एसिड लिपिड्स और आदि ओके सो वी कैन ऑल्सो फाइंड ग्लूकोज अमाइनो एसिड लिपिड्स एंड एक्सेट्रा ओके और साथ ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा प्लाज्मा में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं ओके प्लाज्मा ऑल्सो कंटेंस सम क्लॉटिंग फैक्टर्स अगर सर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट होते तो उस प्लाज्मा को हम क्या कहते हैं सीरम ओके सो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड एज सीरम ओके तो दोस्तों नेक्स्ट अभी हम ब्लड के फॉर्मड एलिमेंट्स के बारे में जानने वाले ओके सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू नो अबाउट फॉर्मड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड ओके सो फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर अपू फोर्टी फाइव परसेंटेज इन ब्लड ओके सो ये फॉर्मड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं देखिएगा वॉट डज फॉर्मड एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ओके सो फॉर्मड एलिमेंट्स में एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होते हैं थ्रोम्बोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं ओके सो एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स ओके और ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स दोस्तों ओके और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स ओके सो एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स यानी वाइट ब्लड सेल्स थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स ओके नेक्स्ट देखिएगा अभी हम एरिथ्रोसाइट्स के बारे में जानने वाले हैं ओके सो ये एरिथ्रोसाइट्स जो कि रेड ब्लड सेल्स है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं मैमल्स में ओके okay? मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स में हम न्यूक्लियस नहीं देख सकते सिर्फ हम न्यूक्लियस कैमल के रेड ब्लड सेल्स में ही देख सकते हैं, ओके सो वी कान्ट फाइंड न्यूक्लियस इन मैमल्स रेड ब्लड सेल्स ओके तो नेक्स्ट देखिएगा ये एरिथ्रोसाइट्स जो होते हैं रेड कलर होते हैं ओके रेड इन कलर बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन ओके हीमोग्लोबिन के कारण ये एरिथ्रोसाइट्स रेड इन कलर होते हैं ओके सो ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है हमारे बॉडी में कितने अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए ट्वेल्व टू सिक्सटीन ग्राम्स इन एवरी हंड्रेड एम ऑफ ब्लड हर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड में बारह से लेके सोलह ग्राम तक तो का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए ओके नेक्स्ट देखिएगा एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है 120 डेज ओके सो so, एरिथ्रोसाइट्स का लाइफ स्पैन लगभग 120 डेज होता है ओके तो दोस्तों हमारे ब्लड में ये एरिथ्रोसाइट्स का अमाउंट कितना होता है सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन अवर ब्लड फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियनस ऑफ आर बी सीज क्यूबिक मिलीमीटर ओके सो फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन्स ऑफ़ क्यूबिक मिली मीटर में ये आर बी सीज प्रजेंट होते हैं हमारे ब्लड में ओके सो नेक्स्ट ल्यूकोसाइट्स ओके ये ल्यूकसाइड्स क्या होते हैं दोस्तों वाइट ब्लड सेल्स ओके ल्यूकोसाइड्स को हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं सो so, ये ल्यूकोसाइड्स जो होते हैं न्यूक्लिएटेड होते हैं इसमें इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ओके okay? ओके okay? तो ये लगभग कितने अमाउंट तक तो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्लड में सिक्स थाउजेंड से लेकर एट थाउजेंड क्यूबिक मिलीमीटर में प्रेजेंट होते हैं हमारे so, blood, so, blood, ये हमारे ब्लड में ओके सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ल्यूकोसाइड्स इन अवर ब्लड सिक्स थाउजेंड टू एट थाउजेंड क्यूबिक मिलीमीटर इन अवर ब्लड ओके सो वॉट इज द लाइफ पैन ऑफ ल्यूकोसाइड्स इट इज अबाउट ट्वेल्व टू ट्वेंटी डेज इन अवर ब्लड ओके ये लगभग बारह से लेकर बीस दिन तक तो जीवित रहते हैं हमारे ब्लड में ओके और दोस्तों साथ ही ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका लाइफ स्पैन वन ट्वेंटी डेज का होता है ओके सो so, ये रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनका लाइफ स्पैन वन ट्वेंटी डेज होने पर वो स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ओके तो so, स्प्लीन को हम क्या कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी ओके सो so, ये आरबीसी डिस्ट्रॉय होने पर फिर प्रोड्यूस होते जाते हैं रिथ्रो से बोन मैरो के द्वारा ओके सो so, दोस्तों फर्दर ये वाइट ब्लड सेल्स का कुछ क्लासिफिकेशन होता है ओके ग्रेनुलर प्रेजेंट होते हैं और ए साइड प्रेजेंट होते हैं ओके सो so, ग्रेन्युलर में हम ग्रैन्यूल्स देख सकते हैं सेल्स में ओके और ए साइड्स में हम ग्रैन्यूल्स नहीं देख सकते यहाँ पर ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं ओके सो इन ग्रेन्युलर सेल्स इफ वी कैन फाइंड ग्रैन्यूल्स ओके सो इन ए साइड सेल्स वी कैन नॉट फाइंड ग्रैन्यूल्स ओके ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट ओके इस ग्रैन्युलर में क्या प्रेजेंट होते हैं स्नोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स ओके तो दोस्तों इस स्नोफिल्स बेसोफिल्स न्यूट्रोफिल्स वर्ड से ही उनका नेचर हमें पता चल जा रहा है ओके okay? ये स्नोफिल्स जो होते हैं एसिडिक इन नेचर होता है ये बेसोफिल बेसिक इन नेचर होता है और ये न्यूट्रोफिल न्यूट्रल इन नेचर होते हैं ओके okay? और इनका परसेंटेज कितना होता है देखिएगा ओके okay? तो स्नोफिल्स जो होते हैं टू टू थ्री परसेंट में प्रेजेंट होते हैं ये डब्ल्यू पी सीस में ओके और नेक्स्ट बेसोफिल्स ओके ये बेसोफिल्स जो होते हैं स्मॉलेस्ट ग्रैनुलोसाइट्स है दोस्तों ओके सो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बेसोफिल्स इन डब्ल्यू बी सीज इट इज़ अबाउट जीरो पॉइंट फाइव टू वन परसेंट ओके और न्यूट्रोफिल्स देखिएगा लगभग सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव परसेंट ओके साठ से लेके पैंसठ प्रतिशत तक ये न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं ओके so, सो इस इस्नोफिल बेसोफिल न्यूट्रोफिल क्या न्यूक्लियस किस प्रकार होता है देखिएगा ओके तो दोस्तों ये स्नोफिल को हम एसिडोफिल्स भी खेद सकते हैं ओके सो ये स्नोफिल का न्यूक्लियस किस प्रकार होता है बाइलोब्ड होता है हम इसके न्यूक्लियस में टू लोप्स देख सकते हैं और बेसोफिल का दो से लेकर तीन लोब प्रेजेंट होते हैं ओके और न्यूट्रेफिल के न्यूक्लियस में तीन से लेकर पाँच लोब्स प्रेजेंट होते हैं ओके इस तीनों ही ग्रैन्युलसाइट्स का फंक्शन क्या है देखिएगा स्नोफिल्स प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एलर्जी सो so, येफिल्स होते हैं एलर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं ओके so, सो दो बेसोफिल्स हिस्टामाइन हिपेरिन और सेरोटोनिन को सेक्रेट करते हैं ओके त्रेसों तो ये हिस्टामाइन जो होता है एंटीजन के अगेंस्ट एलर्जिक रेस्पॉन्स को क्रिएट करता है हमारे बॉडी में ओके सो so, इससे इंफ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होते हैं ओके ये हिपेरिन जो होता है एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है ओके जो कि हमारे ब्लड में कैलुलेशन होने से प्रिवेंट करता है ओके okay? और ये सीरेटोनिन जो होता है वैसो की तरह काम करता है ओके okay? सो so, इस तरह का फंक्शन होता है बेसोफिल्स का ओके सो ये बेसोफिल्स इस तरह के मास्ट सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं ओके सो इसका परसेंटेज क्या है दोस्तों डब्ल्यू बी सी में जीरो पॉइंट फाइव से लेकर वन परसेंट ओके सो नेक्स्ट देखिएगा न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स लगभग साठ से लेकर पैंसठ प्रतिशत तो प्रेजेंट होते हैं डब्ल्यू में इसके न्यूक्लियस में तीन से लेकर पांच लोग प्रेजेंट होते हैं और इसका फंक्शन क्या है फैगोसाइटिक इन नेचर ये न्यूट्रोफिल्स फैगोसाइटोसिस परफॉर्म करते हैं सो दिस फैगोसाइट्स परफॉर्म फैगोसाइटोसिस टू किल एंटीजेंस ओके तो दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा डब्ल्यू के एक ग्रैन्युलट्स जिसमें ग्रैन्यूल्स एबसेंट होते हैं ए यानी एब्सेंट ओके सो ए ग्रैन्युलर साइड्स में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं ओके सो इस ए ग्रैन्युलर साइड्स में दो प्रकार के सेल्स प्रेजेंट होते हैं ए ग्रैन्युलर साइट्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स दे आर मोनोसाइट्स लिम्फोसाइट्स ओके सो ए सो ये मोनोसाइट्स का प्रतिशत कितना होता है डब्ल्यू बी सी में छः से लेके आठ प्रतिशत ओके दिस मोनोसाइट्स आर अप टू सिक्स टू एट परसेंट ओके एंड दिस लिम्फोसाइट्स आर अप टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके ये लिम्फोसाइट्स का प्रतिशत कितना होता है डब्ल्यू बी में बीस से लेकर पच्चीस प्रतिशत ओके सो ये मोनोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है देखिएगा एंगल्फ डेड और डैमेज्ड सेल्स डेड या डैमेज्ड सेल को ये एंगल्फ कर लेता है ओके okay? और इस मोनोसाइट्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों टैवेंजर ऑफ ब्लड ओके okay? सो मोनोसाइट्स आर कॉल्ड एज कैवेंजर ऑफ ब्लड बिकॉज दे एनगल्फ डेड और डैमेज सेल्स ओके और ये मोनोसाइट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड होता है ओके okay? मोनोसाइट का न्यूक्लियस किडनी शेप्ड होता है इसे अच्छे से याद कीजिएगा ओके देन नेक्स्ट देखिएगा लिम्फोसाइड्स ओके ये लिम्फोसाइड्स जो होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सो so, इस लिम्फोसाइड का प्रतिशत कितना होता है हमारे ब्लड में बीस से लेकर पच्चीस ओके सो इस लिम्फोसाइट्स में हम दो प्रकार के सेल्स देख सकते हैं वो क्या है टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स ओके टी लिम्फोसाइट्स द्वारा सेल मीडियट इम्यूनिटी होता है ओके okay? और बी लिम्फोसाइट द्वारा न्यूमरल इम्यूनिटी होता है जिसमें हम एंटीबॉडीज को देख सकते हैं ओके सो ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं ओके सो लिम्फोसाइट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ

क्लॉटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओके okay? जब कभी हमें इंजरी होता है तो ये थ्रोम्बोसाइट ब्लड लॉस होने से रोकते हैं ओके इट्स थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा ब्लड लॉस कम होता है दोस्तों ओके okay? सो so, ये क्या कहते हैं ब्लड को क्लॉट करते हैं और ब्लड को बाहर नहीं जाने देते ओके सो दिस थ्रोम्बोसाइट्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी ओके सो ब्लड क्लॉट होने के कारण एक्सेसिव ब्लड लॉस नहीं होता है सो so, इस थ्रोम्बोसाइट्स का लाइफ स्पैन कितना होता है दोस्तों लगभग दस दिन ओके सो दिस थ्रोम्बोसाइट्स लाइफ स्पैन इज टेन डेज ओके सो ह्यूमन बींग्स में ये थ्रोम्बोसाइट्स का लाइफ स्पैन टेन डेज होता है ओके देन नेक्स्ट इसकी संख्या कितनी होती है सो वॉट इज द अमाउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइड्स इन अवर ब्लड इट इज अबाउट वन पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट फाइव लैक क्यूबिक मिलीमीटर ओके वन पॉइंट फाइव टू थ्री पॉइंट फाइव लैख क्यूबिक मिलीमीटर सो ये थ्रोम्बोसाइट्स क्या होते हैं सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं ओके okay? जो कि ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो किस प्रकार के सेल्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स ओके जो कि बोनमेरो के स्पेशल सेल्स होते हैं ओके सो दिस थ्रोम्बोसाइट्स आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ द सेल्स विच प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग दे आर द फ्रैगमेंट्स ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स ओके विच आर स्पेशल सेल्स ऑफ बोन मैरो ओके तो दोस्तों इसी से हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स का टॉपिक भी कंप्लीट किया है ओके सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ब्लड ओके तो दोस्तों आई होप आपको ये टॉपिक ज़रूर समझ आया होगा तो दोस्तों हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा ताकि हमारा चैनल आपके साथ बना रहे और आगे बढ़ता रहे तो ठीक है दोस्तों बाय बाय मिलेंगे अगले वीडियो में